दोस्तों, आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं एनडीए में, एसएससी में, मैं अपने खुद के एग्ज़ाम में भी पूछता हूं कि 1 से 100 तक की संख्याओं का गुणा कराएं तो कितने जीरो आएंगे अंत में। अगर आपको ये निकालना है तो बहुत ट्रिकी भी है, बहुत ट्रिक से आसानी से निकाला जा सकता है, उसके पीछे का लॉजिक भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ट्रिक जानेंगे। जैसे कि मैंने कहा 1 से 70 तक की संख्याओं का गुणा करें तो कितने जीरो आएंगे। इस प्रकार के 3 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल ऐसा हो सकता है, अच्छा इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणा, 1 से लेके जहाँ तक की बात की जाए। जैसे मैं आपसे बात करूँ फैक्टोरियल 5, इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5। पूछ ले इसमें कितने जीरो आएंगे, तो इसको तो आसानी से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन फैक्टोरियल का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होगा बच्चों? फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट कहाँ तक। अब सवाल ये है कि इसमें कितने जीरो आएंगे, कैसे निकालें, तो लॉजिक बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ट्रिक समझते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, नंबर फर्स्ट, फैक्टोरियल 100 में या 1 से 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई कराएं तो जीरो कितने आएंगे। देखिए ट्रिक क्या है, जिसको भी पूछा जाए, जिस भी नंबर का पूछा जाए उसको लिख ले और उसमें 5 से डिवाइड करें। बेटा किससे डिवाइड करना? 5 से। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। जो आए उसको ऊपर लिख लेना, जिसको हम क्वेसेंट बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। जो आया उसको फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 × 20। अच्छा पहले 20 आया फिर 4 आया, क्या अब 4 में 5 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, इनको आपस में जोड़ दें, जो आ जाए वही आंसर है। इसका मतलब ये है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई कराएं तो 24 जीरो होंगे, या फैक्टोरियल 100 में 24 जीरो होंगे। एक बार फिर से समझिएगा, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, कि जिस भी नंबर का पूछा जाए 5 से डिवाइड करें, जो आए उसको ऊपर लिख लें, लेकिन जो आया उसमें फिर 5 से डिवाइड करिए, फिर कितना आया? 4, और इनको आपस में जोड़ लेना है। जैसे कि दूसरा सवाल तुरंत बताइएगा, खुद से करिएगा। जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 200, कितने जीरो होंगे? बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, लिखिए यहाँ पे, क्या लिख लीजिए 200, किससे डिवाइड करिए? 5 से। कितनी बार जाएगा? 40। जो आया उसको फिर से लिखिए, कितनी बार जाएगा बच्चों? 8 बार, 5 × 8 = 40। जो आया उसको फिर से करिए, कितनी बार जाएगा? 1 बार। शेष फल से रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, 5 × 5 = 5, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा 1। अच्छा अब 1 में 5 से तो जाएगा नहीं, इनको 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 आपस में जोड़ लीजिए, 40 × 8 = 48 49 जीरो होंगे। एक और सवाल तुरंत तुरंत आपको बताना है, नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है तो अभी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपसे बोल दिया फैक्टोरियल 72, कितने जीरो होंगे? फैक्टोरियल का मतलब 1 से 72 तक की संख्याओं का गुणा कराऊं तो कितने जीरो आएंगे। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा किससे डिवाइड करना? 5 से। कितनी बार जाएगा? 14 × 5 = 70, 15 × 5 = 75, 14 बार। शेष फल से कोई मतलब नहीं, जो आया उसको फिर से, 5 × 5 = 10, 2 ही बार जाएगा। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, क्या 2 में 5 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, तो बस 14 × 2 = 16, ये इसका आंसर है। ये पहले प्रकार के क्वेश्चन थे कि जब सीधा सीधा पूछ ले। आइए बढ़ते हैं सेकंड प्रकार के क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग एकदम आसानी से समझ गए होंगे, लॉजिक में बाद में डिस्कस करूंगा, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड टाइप, दूसरे प्रकार के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने सवाल है फैक्टोरियल 100 × फैक्टोरियल 200, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराऊं तो कितने जीरो आएंगे, शायद अब आपको आंसर देना है। तो मेरी तरफ सुनिएगा, देखिएगा कैसे आंसर देना है।
अच्छा बात करें, सिर्फ इतना होता तो कैसे निकालते? अभी अभी आपने निकाला था 24 आया था, एक बार और देख लें। इसमें टोटल 24 जीरो होते, होते कि ना होते 24 जीरो। अच्छा इसमें कितने होते? टोटल 200 का, तो 200 बटे 5, अभी अभी आपने 49 निकाला था, 5 8 40, एक बार जाएगा 49। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इसमें कितने जीरो हैं, सवाल ये नहीं कि इसमें कितने जीरो, दोनों का मल्टीप्लाई कराऊं तो कितने जीरो आएंगे, क्या कोई गिस कर सकता है? अच्छा मैं सिंपल सवाल आपसे पूछता हूँ, कहीं पे लिखा है 10^7 × 10^15, अगर इसका इससे गुणा कराऊंगा तो कितने जीरो आएंगे? आप लोग 100% बता सकते हैं 22। ये नहीं होगा कि इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब इसमें भी देखिए, इसमें 24 जीरो हैं, इसमें 49 जीरो हैं, अब दोनों यूँ कह दें, इसको हम लिख सकते हैं 10^24। अरे पीछे कुछ ना कुछ होगा नंबर, लेकिन 24 जीरो इसमें है, बेटा इसमें कितने जीरो हैं? 49, जिसको हम लिख सकते हैं 10^49। अब जब दोनों का पूछा जाए तो दोनों के जीरो को निकाल के जोड़ देना है, दोनों के जीरो को निकाल के जोड़ देना है। 9 4 13 4 2 6 7 73 जीरो होंगे अगर इसका इससे मल्टीप्लाई कराएं। इसमें 24 जीरो, इसमें 49 जीरो, सिंपली समझे दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि गुणे में जितने भी जीरो, जैसे यहाँ पे बात करें 3 जीरो हैं, यहाँ पे बात करें 5 जीरो हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो ये थोड़े 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 जीरो आ जाएंगे, जो नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो 24 जीरो इसके हैं, 49 जीरो इसके हैं, टोटल 73 जीरो होंगे। एक सवाल और कर लें इसी टाइप का, जैसे कि आपके सामने प्रश्न है फैक्टोरियल 30 × फैक्टोरियल 50, बच्चों बताइए कितने जीरो होंगे। तो सबसे पहले इसके निकाल लें, फिर इसके निकाल लें, और फिर देखें कि क्या आएगा और क्या आंसर होगा। अगर फैक्टोरियल 30 की बात करें तो 5 6 30 6 6 / 1 एक बार जाएगा। अब 1 5 से डिवाइड तो हो गए, टोटल कितने हो गए? 7 जीरो। इसमें देख लें इसमें कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 50 तुरंत बताइए, 5 10 आया, 10 के बाद 5 2 10, टोटल कितने हो गए? 7 जीरो इसके, 12 जीरो इसके, और टोटल हो गए 19 जीरो। आप आंसर नहीं बता सकते लेकिन जीरो की संख्या जरूर बता सकते हैं, और ये है ट्रिकी अप्रोच, ये है ट्रिकी अप्रोच। 12 7 19, जैसे मैं आपसे घर के लिए एक सवाल देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं, फैक्टोरियल 20 × फैक्टोरियल 50 × फैक्टोरियल 170, कितने जीरो होंगे? आपको बताना है कि इसका 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 मल्टीप्लाई करें। अब बच्चों टाइप थर्ड के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। सवाल यहीं पे लिखता हूँ, टाइप थर्ड, पहला था कि सीधा सीधा बताना, दूसरा क्या था कि अगर 2 फैक्टोरियल का गुणा दे दे, मल्टीप्लिकेशन दे दे 2 या 3, बेटा इसके निकाल लीजिएगा, इसके निकाल लीजिएगा, इसके निकाल लीजिएगा, टोटल लिखना है तो जीरो को ऐड कर दीजिएगा। लेकिन टाइप थर्ड क्या है कि अगर एडिशन के फॉर्म में दिया जाए, एडिशन का मतलब जैसे बोला गया फैक्टोरियल 100 + फैक्टोरियल 200। बच्चों वीडियो रोक कर एक बार कोशिश करिए, फिर आंसर मैच कराइएगा। अब 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन समझिए, ट्रिक समझिए, फिर एक्सप्लेनेशन पे भी हम डिस्कस करेंगे या एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। सवाल है इसमें कितने जीरो होंगे, बेटा सिर्फ इसका होता तो कितने आते, आज ही निकाला है 24 जीरो, अभी अभी 5 मिनट पहले। इसमें कितने जीरो होते, अभी अभी आपने निकाला था 49 जीरो, बेटा टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? अच्छा अगर गुणा लगा होता तो जोड़ देते, अगर कुछ नहीं लिखा होता सिर्फ ये पूछता तो ये आता, ये पूछता तो ये आता, एडिशन लगा है, कोई बताएगा कितने जीरो होंगे? अच्छा मैं आपसे एक चीज़ जोड़ने को बोलता हूँ, मान लीजिए कहीं पे ये लिखा है, कितने जीरो आएंगे, ऐड करिए,
लास्ट में कितने जीरो आए? दो। मतलब एक में थे आपके 5 जीरो, एक में थे 2 जीरो, जब दोनों को जोड़ा तो जो नंबर ऑफ जीरोज आए ना वो 2 आए। मतलब आंसर क्या होगा इन दोनों के एडिशन में जीरो की संख्या का? 24। आंसर क्या होगा? 24। मतलब जब एडिशन का सवाल हो तो आपको आंसर देना है जो दोनों में से कम हो। रीज़न आपके सामने लिखा हुआ, इसके में 100 जीरो होते, इसमें 2 होते, तो जब जोड़ते तो बीच में एक आ जाता, मतलब एक दिक्कत दे देता। बीच के जीरो नहीं हमको बताने, ऐट द एंड, क्योंकि भाई जब इसको निकालेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ा सा नंबर आएगा, इसको निकालेंगे कुछ बड़ा सा नंबर आएगा, पर इसमें 49 जीरो, इसमें 24 जीरो लास्ट में मिलेंगे जब दोनों को जोड़ेंगे तो जिसके कम हैं। इसी क्वेश्चन में बात करें कि जैसे बोल दिए फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 132, कितने जीरो होंगे बेटा इसमें निकालिए। ट्रिकी, 5 चौको 20, अब 4 में जाएगा नहीं तो इसमें 4 जीरो होंगे। प्लस 132 का निकालना है तो यहीं पे निकाल लें, 5 से करिए, 5 दूनी 10 26, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, 26 अभी भी 5 से जाएगा, 5 पचम 25, 5 अभी भी 5 से जाएगा, 5 51 5, सबको ऐड कर दीजिए, 26 5 31 132 जीरो इसमें होंगे, 26 5 31 132 जीरो इसमें होंगे। तो टोटल जीरो कितने आएंगे जब इसको इससे ऐड करेंगे? बच्चों आंसर बताइए, आंसर बताइए, 4 जीरो। मतलब जिसमें कम है वही वाला आंसर है एडिशन वाले क्वेश्चन में। प्रोडक्ट वाले में अगर यहीं पे मल्टीप्लाई लगा होता, गुणा लगा होता, तो दोनों को जोड़ देते। अलग अलग पूछे तो अलग अलग हर बार निकाल ही रहे हैं। तो ये तो रहे 3 टाइप के क्वेश्चन। देखिए पेपर में, एग्ज़ाम में कहीं पर आए तो आपको सिर्फ आंसर देने से मतलब है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? तो आइए समझते हैं लॉजिक। हेडिंग डाल सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं, धैर्य रखिए। इसका सेकंड पार्ट भी अभी मैं इस वीडियो का बनाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा इसको इससे डिवाइड करूं तो एन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, इसका वीडियो हम फिर से बनाएंगे अगले किसी दिन। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। आइए लॉजिक पे बात करते हैं। लॉजिक, वाई वी डिवाइड बाई 5, हम 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? तो इसका लॉजिक समझिएगा। जीरो आपको मिलता कैसे है? 2 × 5, अगर 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, मतलब एक जीरो मिला। अच्छा अगर 2 × 2 = 5 तो क्या आ जाएगा? 100। भाई एक जीरो यहाँ से मिला, एक जीरो यहाँ से मिला, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि जीरो हमको तब मिलते हैं जब 2 × 5 से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा यहाँ पे 1, 2 और लिख दूँ तो क्या जीरो बढ़ेंगे? नहीं भाई, 2 × 2 = 10 = 100, 200, तब भी तो 2 जीरो हैं। 1, 2 और लिख दूँ क्या जीरो बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 200 400, आंसर अभी भी जीरो की संख्या 2 है, वैल्यू ज़रूर बदल रही है, लेकिन जैसे ही 1 5 लिखा तो 1 जीरो और बढ़ गया। तो इसका मतलब जीरो तभी बनते हैं जब 2 × 5 2 × 5 2 × 5 किस में आए? पेयर के फॉर्म में आए। किस में आए बेटा? पेयर के फॉर्म में आए। अब पेयर के फॉर्म का मतलब है कि कितने हमको 2 और 5 मिलेंगे, यही हमको बताना है, कितने 2 और 5 मिलेंगे। अच्छा एक सिंपल से समझते हैं, फैक्टोरियल 5 लिखा है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, फैक्टोरियल 5 में अगर लॉजिक से करें तो 5 × 5 एक आता है, आता है कि नहीं आता है? अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी करें तो 1 जीरो ही आता है, 5 × 2 = 20, 63 × 8 = 120, तो लॉजिक क्लियर है, सारी बातें सही हैं। पर हमने 5 से डिवाइड करके ही क्यों देखा? 2 भी तो अभी कहीं ना कहीं आंसर में वेरिएशन दे सकता है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 बेटा कितने 2 मिले? 3। 5 कितना मिला? 1। जोड़ा कितना बना 2 और 5 का? 1 ही। तो जब भी जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 7 निकालिए, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, बेटा कितने जीरो आएंगे? 1 ही आएगा, 2 × 5 = 10। लॉजिकली समझें तो 4 को आप 2 लिख सकते हो, 6 को आप 2 3 लिख सकते हो, 7 को 7। अच्छा 2 तो आपको 4 मिल गए पर 5 1 मिला,
और डिसाइड करेगा कि दो और पाँच के जोड़े कितने हैं, इसलिए इसका भी आंसर एक जीरो ही होगा। तो ये समझ में आता है, ये समझ में आता है कि दो की संख्या पाँच से ज़्यादा होगी, मतलब हमको दस बनाना है पर दो की संख्या पाँच से ज़्यादा होगी, या यूँ कह दें पाँच कम मिलेंगे, दो तो उससे ज़्यादा ही मिलने हैं, मतलब जोड़ा कौन डिसाइड करेगा कि पाँच कितने हैं। दो 40 मिल गए, पाँच तीन ही मिले, तो 10 तो तीन ही बनेंगे ना, तो इसलिए पाँच की संख्या कम होने के कारण, पाँच की संख्या कम होने के कारण पाँच से डिवाइड करते हैं। अल्टीमेटली आपको टू भी चाहिए, फाइव भी चाहिए, पर टू ज़्यादा मिल जाते हैं, पाँच कम मिल जाते हैं, इसलिए पाँच से डिवाइड करते हैं। तो ये था इसके पीछे का लॉजिक, आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है, और अगले वीडियो में या आने वाले किसी वीडियो में फैक्टोरियल से रिलेटेड हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी अगर इसको इससे डिवाइड करें, या ये सवाल बोल दे, या ये बोल दे, कुछ भी, n कैसे डिसाइड होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।